हेलो एवरीवन सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के उसमें हमने एनर्जी फ़्लो के बारे में पढ़ा था पार्ट सेकंड में हम सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है न्यूट्रंट साइकिल्स और जिसे हम इको नाम से जानते हैं बाईजियो साइकिल्स सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रंट साइकिल न्यूट्रन साइकिल होती क्या है न्यूट्रन साइकिल हम जैसे कि जानते हैं एक बाईजियो केमिकल साइकिल है ये एक डिस्क्राइब करता है पूरा का पूरा मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है ये न्यूट्रन साइकिल जिसमें कि हमारे क्या मूव मूव करते हैं पूरे केमिकल एलिमेंट्स मूव करते हैं कि थ्रू आ डिफरेंट मीडिया हम बोल सकते हैं जैसे कि एटमोसफियर से सॉइल से होकर के गुजरते हैं ये न्यूट्रंस रॉक्स बॉडीज ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रन साइकिल हम एक बोल सकते हैं कि एक रिपीटेड पाथवे होता है एक पर्टिकुलर न्यूट्रन का ठीक है जिसमें कि एक एलिमेंट क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट के थ्रू और ऑर्गेनिज्म के थ्रू मूव करता है और फिर से वापस कहाँ जाता है अपने इन्वायरमेंट में इसके हम एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो हम बोल सकते हैं इसमें हम जो आगे पढ़ेंगे वो है कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल फॉस्फोरस साइकिल एंड वाटर साइकिल जो इंपॉर्टेंट है मेन इसमें टाइप्स की बात करूँ न्यूट्रन साइकिल की तो देखिए तीन फॉर्म में होती हैं गैसियस साइकिल्स सेडिमेंट्री साइकिल्स एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गैसियस में हम पढ़ सकते हैं जो गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं न्यूट्रंस जैसे कि नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन सेडिमेंट्री साइकिल्स जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं वो हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वी ऑल नो इट्स अ वाइट वाटर साइकिल सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बन uh, साइकिल के बारे में यहाँ पे हम जो मेन डिस्कस करेंगे इन साइकिल्स का वो है कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन साइकिल क्या होता है जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन साइकिल क्या है फाउंडेशन है पूरा लाइफ का हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए और हमारा प्रोटीन भी किससे मिलकर के बने हैं कार्बन से ठीक है दिस एलिमेंट इज़ आल्सो फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन uh, पाई जाती है किस फॉर्म में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से आ, विलेन का काम भी कर सकती है सी ओ टू और एक तरीके से एक हीरो का काम भी कर सकती है जैसे कि अगर सी ओ टू की अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई तो वो कार्बन ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट कॉज कर सकता है वही अगर सी ओ टू की मात्रा कम हो गई तो वो आ, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही फ्रीजिंग पॉइंट में चला जाएगा इसलिए मॉडरेट अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ की टेम्प उसमें एटमोस्फेयर में पाई जाती है ये अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और इसी के कारण हमारी पूरी की पूरी लाइफ भी पॉसिबल हु, हो हुई है। और इट इज अ की इंग्रेडिएंट इन द फूड दैट सस्टेन्स अस इन प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी टू फ्यूल अवर ग्लोबल इकोनॉमी कार्बन साइकिल डिस्क्राइब्स द प्रोसेस इन विच कार्बन एटम्स कंटिन्यू ट्रेवल फ्रॉम एटमोसफियर टू द अर्थ एंड बैक टू इन द एटमोस्फेयर समझ पा रहे होंगे यहाँ पे आप कि कैसे कार्बन ट्रैवल uh, करती है एटमॉस्फेयर से अर्थ में और फिर अर्थ से वापस कहाँ चली जाती है एटमॉस्फेयर में तो ये पूरी की पूरी एक uh, क्या कहलाती है एक साइकिल कहलाती है ऑन अर्थ मोस्ट कार्बन इज स्टोर्ड इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स वाइल द रेस्ट इज लोकेटेड इन द ओशियन एटमोसफियर एंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन इज रिलीज बैक इन टू द एटमोस्फेयर वैन ऑर्गेनिज्म जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो वापस कार्बन क्या होती है एटमॉस्फेयर में चली जाती है वॉल्किनोस इरप्शन के कारण भी कार्बन uh, एटमोस्फेयर में चली जाती है फॉजल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तब भी थ्रू अथ्रवा वाइटी ऑफ अदर मैकेनिज़म्स आगे हम कार्बन साइकिल देखते हैं यह आप देख सकते हो कार्बन साइकिल uh, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है सी वो प्लांट्स सिंथेसिस यूज़ करते हैं उसको किस में फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए उसके बाद देखिए प्लांट्स और जो ये एनिमल्स हैं ये भी सी uh, ओ को एक्जेल करते हैं तो जब इनकी डेथ होगी तो डिके होगा फॉजल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद ठीक है उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉजल फ्य। फ्यूल्स हो रहा है देखिए इधर की तरफ और गैस का एक्सचेंज हो रहा है प्लांट्स के थ्रू और वापस से ये सब चीज़ें बर्न हो करके ये फॉजिल फ्यूल्स जब बर्न होंगे इधर तो वापस कहाँ चले जाएगी सी वापस हमारे एटमोसफेयर में चले जाएगी तो ये एक कार्बन साइकिल है आई होप आपको कार्बन साइकिल समझ में आई होगी नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है थ्रू विच इट ट्रांसफॉर्म्स द इनर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमोसफियर टू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखिए हमारे एटमोसफेयर में जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है N2 टू के फॉर्म में इनर्ट फॉर्म में उसे हम जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते है. तो उसे यूजेबल फॉर्म में बनाने के लिए एक पूरी एक प्रोसेस होती है तो हम जानते हैं नाइट्रोजन एक की न्यूट्रंट है एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू मनी फॉर्म्स कन्जिकली पासिंग फ्राम एटमोसफियर टू सॉइल टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द नाइट्रोजन काफ़ी फॉर्म में चेंज होती रहेगी अभी देखना आप आगे इट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस सच चैस नाइट्रोजन एन को कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है ताकि वो एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके प्लांट्स उनको ले सकें ताकि जैसे कि प्रोसेसेस क्या क्या हैं वो स्टेजेस देख सकते हैं आप सबसे पहले होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर होगा नाइट्रिफिकेशन थर्ड स्टेप इज एसिमलेशन फोर्थ एमोनिफिकेशन एंड लास्ट वन इज डी सबसे पहले हम समझते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन अब हम यहाँ पे स्टेजेस स्टेप्स की बात करेंगे ठीक तो है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है नाइट्रोजन साइकिल का इनिशियल स्टेप है ये इसमें एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है एन के फॉर्म में इनर्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजल फॉर्म में यूजबल फॉर्म कौन सी है अमोनिया द एंटायर प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कम्प्लीटेड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच आर नोन एज डाइजोट्रॉप एंड डाइजोबियम हैव अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस अब देखिए जो इसमें मेजर रोल प्ले करेंगे वो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि इस एन टू को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं अमोनिया में ठीक है अमोनिया इज एन एच थ्री तो कैसे वो इसको चेंज करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेस कौन कौन से वो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये इम्पोर्टेंट है इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा ये जो हैं आपके डाइजोट्रॉप एंड रोबियम ठीक है अब देखिए जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये हम जानते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है लेग्युमिनियस प्लांट्स के साथ ये लेग्यनियस प्लांट्स के रूट में रहते हैं और उनको क्या देते हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं किस तरह से जो इनर्ट नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में चेंज करके नाइट्रोजन सॉरी लेग्यूमिनियस uh, प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं और बदले में ये प्लांट्स uh, उन्हें क्या प्रोवाइड कराता है इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया सो देस हो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ओके टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं एटमोस तीन तरह से हैं इसमें एटमोस्फेरिक फिक्सेशन होता है एक इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और एक थर्ड वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमोस्फेरिक फिक्सेशन जो होता है ये नेचुरल फिनोमिन है जिसमें कि वेयर एनर्जी ऑफ लाइटनिंग ब्रेक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड इट इज देन यूज्ड बाय प्लांट्स इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि इसमें इंडस्ट्री में इस नाइट्रोजन को बनाया जाता है मैन मेड बोल सकते हैं हम इसे जो एटमोस्फेरिक था ये नेचुरल था और जो इंडस्ट्रियल है ये मैन मेड है इट इज़ अ मैन मेड अल्टरनेटिव दैट एड्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाई यूज़ ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ए लेटर इट कन्वर्टेड इन टू वेरियस फर्टिलाइजर सचैस यूरिया यूरिया के रूप में ये बनाई जाती है जिससे कि हम खाद को यूज़ करते हैं और हम अपने जब फार्मर्स इसको सॉइल में डालते हैं तो ये एक हम बोल सकते हैं आर्टिफिशल तरीके से हम प्रोवाइड करा रहे हैं प्लांट्स को नाइट्रोजन को ठीक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एयर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एलगी ट्रांसफॉर्म एंड यूजबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इंटू अदर कंपाउंड रेडियली यूजबल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया राइजोबियम ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल है ये ठीक है कैसे कि वो एक लेग्यूमिनियस प्लांट्स में रहते हैं फूड और शेल्टर के लिए और बदले में वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं ठीक है आगे हम देखते हैं सेकंड जो स्टेप हम हमने अभी नाइट्रोजन क्या देखा अभी है? हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकंड हम देखते हैं नाइट्रिफिकेशन जो कि नाइट्रोजन साइकिल में हम देख रहे हैं अभी इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अब पहले वाले में क्या हुआ कि इनर्ट नाइट्रोजन को हमने किस में चेंज कर दिया अमोनिया में अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा अमोनिया हमको मिल गया इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट बाई प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल अब इसमें हमको अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करना है नाइट्रेट में किसकी प्रेजेंस में जो सॉइल प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में नाइट्राइट्स ऑफ सॉरी नाइट्राइड्स गलत है नाइट्राइट है ये ठीक है नाइट्राइट नाइट्राइट्स आर फाउंड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजोम जोमोनास बैक्टीरियम स्पीसीज लेटर ये जो नाइट्राइट्स है इसको ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में ठीक है और यहीं से हमको क्या मिल गया अमोनिया किस में चेंज हो गया नाइट्रेट में पहले किस में चेंज होगा नाइट्राइट में और नाइट्राइट किस में चेंज हो जाएगा नाइट्रेट में ठीक है विद द हेल्प ऑफ बाई नाइट्रोबैक्टर ये देख सकते हैं आप नाइट्रोबैक्टर की मदद से ठीक है अब थर्ड है एसिमिलेशन। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स प्लांट्स टेक्स इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम सॉइल एसिमिलेशन मतलब होता है कि जो अब ये नाइट्रेट हमको मिल गया ये क्या होगा सॉइल में है ठीक है प्रेजेंट ये अब क्या होगा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स हैं, वो इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को सॉइल से लेगा विद द हेल्प ऑफ रूट्स विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्राइल ठीक है आयंस एंड नाइट्रेट आयंस एंड यूज इन फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटीन्स और इनकी हेल्प से प्लांट्स क्या बनाएंगे अपने लिए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे अपने लिए फूड का इस वजह से इन दिस वे इट एंटर्स द फूड वेब व्हेन प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट प्लांट्स और ऐसे में जब प्लांट्स को फिर कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा तो फिर ऐसे में पूरी फूड चेन में ये होते हुए फूड वेब में पूरी ये जो नाइट्रोजन है वो पास हो जाएगा ठीक है फोर्थ स्टेप इज अमोनिफिकेशन अब क्या होगा अब प्लांट्स और एनिमल्स ने फूड वेब में जा चुका है नाइट्रोजन ठीक है अब क्या होगा कि अब एस एमोनिफिकेशन में अब जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाएगी वो मर जाएंगे तो जो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक मैटर के उसमें रिलीज हो जाएगा कहाँ सॉयल में जहाँ पर कि क्या डिकम्पोजर्स होंगे नेमली बैक्टीरिया फंजाई जो कि उनको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे एंड अब वो ऑर्गेनिक मैटर से कन्वर्ट हो गए फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे अब यहाँ से प्रोसेस क्या होगी उल्टी चलेगी वहाँ से अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा था अब यहाँ उल्टा अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं अमोनिफिकेशन एसिमिलेशन में प्लांट्स और एनिमल्स ने उनको कंज्यूम किया अमोनिफिकेशन में जब उन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाएगी तो फिर वो वापस से वो जो सारे न्यूट्री इनऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा किस में आ जाएगा सोयल में आ जाएगा ठीक है और इसी रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एमोनिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स अपना वापस से रास्ता बनाएंगे कहाँ जाने के लिए इनटू द एटमॉस्फेयर बाय कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन नाइट्रेट को वापस से किस में कन्वर्ट कर देना है गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना तभी तो वो वापस एटमोसफेयर में जा पाएगा दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज फाइनल स्टेज एंड अकर्स इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डी बैक्टीरिया स्पीसीज जिनका नाम है क्लोस्ट्रीडियम एंड सीडोमोनास इम्पॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स अब हम आगे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल देखिए एन टू हमारी एटमोसफेयर में प्रजेंट है ठीक है ये एन टू एटमोसफेयर में प्रजेंट है इनर्ट फॉर्म में इसको हम यूजबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लांट्स के लिए जो कि प्लांट्स इनको ले सके नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट करके देगा ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आप देख सकते हैं इनके लिए फिक्स करेगा प्लांट्स के लिए किसको ये एन टू को उसके बाद ये नाइट्रोफाई बैक्टीरिया क्या होगा यहाँ पे सेकेंड स्टेप इस नाइट्रिफिकेशन जिसमें कि अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में देख सकते हैं आप एन ओ टू में कन्वर्ट हो गया ठीक है नाइट्र Nitrif, नाइट्रिफिकेशन uh, हो गया उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था हमारा एसिमलेशन जिसमें कि प्लांट्स क्या करेंगे इस uh, इस नाइट nit, नाइट्रेट को क्या लेंगे एबज़ॉर्ब करेंगे और प्लांट्स में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर ये फूड वेब में चला जाएगा ये पूरा नाइट्रोजन देखिए फिर प्लांट्स को कौन किसने खाया एनिमल्स ने खाया उसके बाद इनकी जब डेथ हो जाएगी तो ये वापस से क्या हो जाएंगे अमोनिफिकेशन हो जाएगा इनका अमोनिफिकेशन से वापस से ये एनोटू में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद इनको ये डी नाइट्रिफिकेशन होकर के वापस से कहाँ चले जाएंगे हमारे एटमोसफियर में ठीक है आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ में आई होगी नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम जानते हैं वाटर साइकिल भी बोलते हैं इसे ये एक नॉर्मल वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम होता है अर्थ में जैसे कि हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन के कारण जो वाटर होता है वो एवोपरेट्स होता है सी uh, लेक से रिवर से ओशन से ठीक है एज द स्टीम राइज इन द एटमोसफियर इट इज़ बी कूल्ड कंडेंस एंड रिटर्न टू द लैंड एंड द सी एज अ प्रसिपिटेशन प्रसिपटेशन के फॉर्म में वो वापस कहाँ आता है अर्थ में आता है देखिए कंडेंसेशन में एक प्रोसेस होती है जहाँ पे वाटर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड और हम बोल सकते हैं ये एक रिवर्स फॉर्म है एवोपरेशन की उसके बाद क्या होता है कि प्रसिपिटेशन के कारण जो आ, जो एवोपोरेट हुआ था वाटर वो वापिस कहाँ आता है अर्थ में आ जाता है प्रसिपिटेशन एक लिक्विड इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर हम बोल सकते हैं जो कि कहाँ फॉर्मड होता है एटमोस्फियर में एंड फॉल्स बैक इन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो प्रसिपिटेशन फॉल्स ऑन अर्थ एज अ सरफेस वाटर एंड शेप्स द सर्फेस क्रिएटिंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट रिजल्ट इन लेक्स एंड रिवर्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं प्रसिपटेशन होने के बाद ए पार्ट ऑफ वाटर प्रेसिपिटेटिंग पेनीट्रेट द ग्राउंड एंड मूव डाउनवर्ड थ्रू द इन सीजन फॉर्मिंग एक्वेफर्स एक्वेफर्स फॉर्म करते हैं ये जब बारिश होती है उसके बाद एकफर्स फॉर्म होते हैं एकफर्स हम बोल सकते हैं कि बॉडीज uh, होती हैं सेचूरेटेड रॉक्स की और सेडिमेंट्स की जिससे कि क्या वाटर मूव होता है और ये नाइन्टी नाइन परसेंट हमारे ग्राउंड वाटर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, होते हैं ये नाइन्टी नाइन परसेंट ग्राउंड वाटर हमें प्रोवाइड करते हैं एक्वेफर्स जो कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा डिपेंड्स एक्वेफर्स पे ग्राउंड वाटर के लिए हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए ठीक है Finally, a part of the surface and underground water leads to sea formation. During the whole this whole trip, water is converted in all phases. Water आपने देख सकते हैं सारे phases में change हो रहे हैं gas में, liquid में and solid form में। इसके आप cycle देखोगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से evaporation हुआ, भाप बन के ऊपर बादल बने, condensation हुए वो, फिर precipitation के रूप में नीचे आएं, फिर surface runoff होगा, aquifers का formation होगा, groundwater recharge हो जाएगा ठीक है और फिर ये दस देख सकते हैं आप जो एवोपरेशन सिर्फ सी ओशंस रिवर से ही नहीं होता लीव्स जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनसे भी एक ट्रांसप्लेशन की प्रोसेस होती है उनके लीव से जो वाटर जो एवोपरेट होता है उसे ट्रांसप्लेशन बोलते हैं नेक्स्ट वन इज़ अवर फॉस्फरस साइकिल फॉस्फरस साइकिल ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है मूव्स इन साइकिल थ्रू रॉक्स वाटर सॉइल एंड सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिजम्स ओवर टाइम रेन एंड वेदरिंग रॉक्स टू रिलीज फॉस्फेट एंड अदर मिनरल्स दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल्स एंड वाटर प्लाट्स टेकअप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम सॉयल प्लांट्स ईजिली सॉइल से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ले लेते हैं रूट्स की मदद से द प्लाट्स में देन बी कंज्यूम बाई एनिमल्स उसके बाद प्लाट्स को कौन कंज्यूम करता है एनिमल्स को वंस इन द प्लाट एंड एनिमल इज इनकॉर्परेटेड इन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एस डी एन ए वैन द प्लाट्स और एनिमल्स डाई इट डिकेज एंड द ऑर्गेनिकॉस्फेट इज रिटर्न जब प्लांट्स और एनिमल्स फिर मरते हैं डिके फॉर्मेशन होती है तो वापस से वो कहाँ लौट आते सॉइल में लौट आते हैं तो ऐसे में एक पूरी एक फॉस्फोरस साइकिल फॉर्म हो रही है विद इन दॉयल ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फरेट कैन बी मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बाई बिया दैट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटरगेनिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फरस दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन फॉस्फॉरस इन सॉइल कैन एंड अपन वाटर वेस दियर इट कैन बी इनकॉपरेटेड फॉस्फोरसाइकिल को हम ईजी वे में इस डाइग्राम से समझते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल आखिरकार है क्या देखिए बहुत ईजी है सबसे पहले इसमें क्या होगी कि वेदरिंग की प्रोसेस होगी रॉक्स में हम जानते हैं फॉस्फोरस का जो मेन सोर्स है वो रॉक्स होते हैं इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वेदरिंग होगी वेदरिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया सपोज ह्यूमिडिटी बहुत ऐसी बहुत टाइम बाद होती है ये रेन होने के कारण रॉक्स में, में क्रैक्स पड़ेंगे जिस वजह से रेन से उनका इरोज़न होगा और उनसे इरोजन होने के कारण ये सब कहाँ आके मिल जाते हैं मिट्टी में और या तो फिर इनका रन ऑफ हो जाएगा यहाँ इधर ओशन में मेन डेस्टिनेशन इनकी कहाँ हो जाती है जब रेन्स से कुछ चीज़ बह कर के आएगी यहाँ ओशनस और सीज में ठीक है रिवर्स कैरी ग्रेवल एंड स्टील सिल्ट टू वाटर बॉडीज और यहाँ से देखिए सेडिमेंट्स uh, हो जाएंगे यहाँ पे रॉक्स का और uh, इधर से भी आप देख सकते हैं रन ऑफ होगा फ्रॉम फॉस्फेट्स इन फार्मिंग सॉयल में भी प्रजेंट रहेगी वेदरिंग के कारण सॉयल में भी मिल जाएगा फॉस्फोरस जिसके कारण उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे रूट से और प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे और कुछ टाइम बाद उनका डिके शुरू होगा प्लांट्स और एनिमल्स का या उनके एक्सक्रीट एकस्क्री, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जब डिके शुरू होगा या उनकी डेड बॉडी का तो क्या होता है कि उससे डिके डम्पोजिशन होने के कारण उनका वापस से कहाँ फॉस्फोरस आकर के मिल जाएगा सॉयल में मिल जाएगा जहाँ से उनकी लीचिंग हो जाएगी लीचिंग लीकिंग होगी उनकी ठीक है वाटर बॉडीज़ का वाटर बॉडीज़ में आकर के मिल जाएंगे फिर से सॉइल तो इस तरह से ये पूरी कंप्लीट फॉस्फोरस साइकिल हो हो रही है आप देख सकते हैं और फिर से वापस ये कहाँ जा कर के मिल जाएगा जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट होगा जहाँ पर कि न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन होगा जिनमें दोबारा से क्या पाया जाएगा फॉस्फोरस आई होप आपको फॉस्फोरस साइकिल भी समझ में आई होगी तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिएंट साइकिल जिसमें हमने पढ़े नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कार्बन साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल तो इसी तरह प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू